गुड मॉर्निंग। बस मैं अभी अभी जो है वो उठी हूँ और ये कहते हैं मैं तब उड़ गई थी। फिर वही जो सब बुरी आदत होती है सब लोगों की, बिस्तर पे लेट के जो है वो फ़ोन यूज़ करना। तो मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी क्योंकि मैंने कल एक रात में एक वीडियो डाली थी ना, मतलब एडिट करके वीडियो डाली थी। तो मतलब मैं वो चेक कर रही थी, उसके व्यूज़ वगैरह चेक कर रही थी, वो देख रही थी। फिर उसके बाद बस हाँ अभी कुछ लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। अब मैं उठ गई हूँ फाइनली। सबसे पहले जाके मुँह हाथ धोती हूँ, फिर आज नाश्ते में फिर से सोचूँ एक पूरी बना लेती हूँ। अभी जो है मैंने हीटर ऑन किया है क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है। इवन तो मेरा अपना हीटर भी है लेकिन वो बिस्तर जो है ना बिल्कुल हीटर के साथ लगा हुआ है। तो अब मैं बिस्तर की लोकेशन चेंज नहीं करना चाहती हूँ, सिंस मेरे पास मेरा अपना मतलब वो अपना हीटर है, तो इसलिए मैं उसको ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए वो ऑन किया है। और क्या कहते हैं, हाँ तो बस अब मैं जो हूँ वो किचन में जा रही हूँ। हाँ किचन में आ गई हूँ। आज ज़िंदगी में पहली मरतबा मेरे बहुत ही कम बर्तन हैं जो गंदे पड़े हुए हैं, जो मुझे सिर्फ धोने हैं। तो मैं भी वो दो जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ। और चूल्हे को, यहाँ पे चूल्हे गर्म होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो खैर मैंने भी ऑन कर दिया है ताकि ये वही कल वाला ही तेल है जो मैंने पतीली में निकाला था इतना सारा, तो उसी में मैं अभी वो सोचूँ तो पूरियाँ जो है ना वो तल लेती हूँ और वही चाय बना लेती हूँ और वो पूरियाँ जो है वो अचार के साथ खा लूँगी। नाश्ता बना लिया है मैंने और दो पूरियाँ बनाई हैं मैंने आज जो है, ये वाली ना, ये दो पूरियाँ बनाई हैं। एक जो है ना थोड़ी सी जल्दी गई क्योंकि वो ना तेल ना ज़्यादा गर्म था, फिर खैर मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरी पूरी डाली और मैंने चाय बना ली है और अचार रखा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। तो अब मैं नाश्ता करते करते मामा से बात करूँगी। नाश्ता मैंने कर लिया है और मैंने घर पे भी बात कर ली है। और अभी जो है वो इस टाइम मैं अपनी पेंटिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने कल सिर्फ 3 फूल बनाए थे तो मुझे इस पूरे को ना जो है ना फूलों से कवर करना है। तो मैं अभी अपनी पेंटिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर उसके बाद शायद आज मैं सेकेंड हैंड शॉप जाऊँ क्योंकि एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ना मेरे टेबल के ऊपर एक मिरर रखा हुआ होता है, तो मैं सफाई करने के दौरान ना वो शीशा टूट गया। तो मैं सोची थी कि सेकेंड हैंड शॉप जाके देखूँ, अगर कोई मुझे छोटा सा ही शीशा मुझे चाहिए तो अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं वो ले लूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, अभी पहले मैं ये थोड़ी सी पेंटिंग कर लूँ फिर उसके बाद। मैं नीचे उतर आई हूँ और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ना इस तरीके के ना ये डंप करने की चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डंप करनी है, मोस्टली जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं जो चल नहीं रहे, तो आप ऐसे आप गार्बेज में फेंक नहीं सकते। तो मेरे पास एक मिक्सर था जो कि वर्क नहीं कर रहा था, एक दफ़ा चला था उसके बाद नहीं चल रहा था, वो काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था। तो ये यहाँ पे रखा हुआ था तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है मिक्सर। और आज ना फाइनली 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 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी थीसिस फाइनल सबमिट कर दिया। अब इंशाल्लाह 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 अप्रूव हो जाए। और अभी मैं नीचे उतर गई हूँ और मैं जो हूँ वो सेकेंड हैंड शॉप जा रही हूँ वही शीशा देखने के लिए, क्योंकि वो मैंने भी जैसे बताया था कि वो मेरा शीशा टूट गया है, तो मैं वो देखती हूँ। और अगर कुछ ना भी मिले तब भी अच्छा टाइम पास है सेकेंड हैंड शॉप में घूमना। आई मीन लाइक अक्सर मेरे पास जब कोई कुछ करने को नहीं होता तो मैं सेकेंड हैंड शॉप से जाती हूँ। कभी कभी आपको आउट ऑफ द ब्लू मतलब कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपको पता होता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है ओ अच्छा मैं ये भी ले सकती हूँ। तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे ना, और काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं अच्छी अच्छी ना। इवन मैं मुझे वहाँ से जो है वो आर्ट के लिए जो मैं कैनवासेस ख़रीदती हूँ, मुझे वहाँ से नए नए कैनवासेस भी मिले हैं ना। आई मीन लाइक बिल्कुल अनयूज्ड कैनवास और इतने अच्छी अच्छी प्राइस में। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती हैं। तो मेरी तो एक बहुत एक तरीके से हॉबी है मतलब वो स्टोर्स घूमना और चीज़ें देखना। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई शीशा मिल जाता है तो मैं वो शीशा ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मसला हो रहा है। आई मीन लाइक वॉशरूम में तो शीशा है लेकिन कमरे में जैसे अगर बैठ कर तैयार होना हो या यूजुअली मुझे वीडियो बनानी होती है अपनी मेकअप करते वक्त, तो मेरे पास आई मीन कोई शीशा नहीं होता कि मैं अपने आप को देखूँ, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अल्लाह करे वो मिल जाए तो वो मैं ले लूँगी इंशाल्लाह। अभी जो है मैं सेकेंड हैंड शॉप के अंदर दाखिल हो गई हूँ। इस टाइम जो है मैं अभी दूसरी वाली सेकेंड हैंड शॉप में आई हूँ। अभी जो सेकेंड हैंड शॉप में थी उसके बराबर में एक और सेकेंड हैंड शॉप, तो मैं वहाँ पे आई हूँ। उस वाली शॉप में मुझे कोई इतनी चीज़ नहीं मिली
तो यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब सारी बहुत ही महंगी चीज़ें हैं। मैंने एक शीशा भी मुझे पसंद आया है, जो ऐसी स्टैंड वाला शीशा है, लेकिन वो बहुत महंगा है, 35 का वो शीशा है। मैं इतने पैसे नहीं लगा सकती शीशे के ऊपर। तो बस मैं ऐसी सामान देख रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब कोई भी अपना घर अगर भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आके टेबल ले सकते हैं, बहुत अच्छी, मतलब टेबल, चेयर्स और काफ़ी चीज़ें हैं जिससे ना आप अपना पूरा घर इजीली सेट कर सकते हैं। नई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो है, ये दूसरी वाली सेकेंड हैंड शॉप है, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही मुख्तलिफ तरीके का सामान यहाँ पर मौजूद है। दोनों सेकेंड हैंड शॉप्स में मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। दूसरी वाली सेकेंड हैंड शॉप में एक मिरर रखा हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो है ना कोई प्राइस नहीं लिखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या प्राइस है, तो उन्होंने बोला कि इट्स आवर्स। तो खैर वो मिरर अच्छा था, लेकिन खैर वो उनका था ना, तो मुझे मिरर तो नहीं मिल पाया। और बाकी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ज़रूरी जो मैं लूँ। अब बस मैं घर की तरफ जा रही हूँ, और बीच में जो है वो हिवाद आएगा, तो मैं सोची थी कि वहाँ से वो ले लूँ जो मैं सॉसेजेस लेती हूँ ना, क्योंकि वो मेरे ख़त्म हो गए। तो बस वो लेते हुए ना फिर मैं इंशाल्लाह डायरेक्ट घर की तरफ जाऊँगी। और अभी यहाँ पे जो है वो मैं अभी जिस रास्ते पे चल रही हूँ ना, ये वही वाला रास्ता है जिस पे मैंने एक दफ़ा कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पे लिखा हुआ था, यूट्यूब पे डाली थी तो यहाँ पे अब जितने भी दरख्त हैं ना, सबकी जो ना पत्तियाँ सारी झड़ गई हैं, और ये सारी जो पत्तियाँ हैं ना वो इधर नीचे सारी गिरी हुई हैं। लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, नीचे जो पत्तियाँ गिरी हुई हैं वो बहुत प्यारी लग रही हैं। अब दरख्त जो हैं वो बेचारे सारे जो है ना वो खाली खाली हो गए। कुछ दरख्त हैं जिनके ऊपर थोड़ी बहुत पत्तियाँ हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली गिरी जाएंगी। मैं बस अभी अभी हिवास से बाहर निकली हूँ, और मैंने ना मेरा अचार ख़त्म हो रहा था, तो मैंने शान अबकी अब पहले मेरे पास ना अहमद फूड्स का था, अबकी मैंने जो है वो शान का ले लिया है। पहला वाला भी जो है ना मैंने एक साल पहले लिया था, वो अब जाके ख़त्म हो रहा है। अभी वाला भी मैं बड़ी बॉटल ही ले लेती हूँ एक साथ, ताकि वो ज़्यादा चले। अभी वाले भी मैंने लिए, वो 2025 तक की उसकी एक्सपायरी है, तो वो फिर इंशाल्लाह तब तक ही चलती रहेगी, क्योंकि मैं इतना तो फ्रीक्वेंट नहीं खाती, तो काफ़ी टाइम तक चलता रहती है मेरी एक बॉटल। मैंने वो ले ली, और बाकी वो जो चिकन सॉसेज की मैं बात कर रही थी मैंने वो ले ली ना, बस ये सिर्फ ये दो चीज़ें ली हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैंने देखी, अभी जो मैं अभी मेरी पिछली यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा आप लोगों ने, कि मैंने वो पूरी जो मैं हेलसिंकी से पूरी लेकर आई हूँ, दाल पूरी, आज मैं गई तो वो यहाँ पे भी हिवाद में भी दाल पूरी रखी हुई थी, और यहाँ पे चीप है। मैंने हेलसिंकी में 2.9 का लिया था पैकेट, जिसके अंदर 10 पीसेस थे, यहाँ पे वो 2.6 का है जिसमें 10 पीसेस हैं, और आलू पूरी भी है वो 2.45 के, उससे भी ज़्यादा चीप है। तो अब शुक्र है मुझे पता चल गया कि हिवाद में भी मिलती है, तो अब मैं यहीं से ही ले लूँगी, हेलसिंकी से लेने की ज़रूरत नहीं। पहले नहीं मिलती थी, लेकिन आज मैंने देखा कि मिल रही है। जो है मैं ना प्याज का पानी बना रही हूँ अपने बालों के लिए। मैंने प्याज काटी, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, तो खैर मैंने आधी प्याज ली है जो कि मैंने इसके अंदर डाली, और थोड़ा सा पानी डालूंगा, और इससे इतना पानी बन जाता है जो कि मोर देन इनफ होता है, मतलब एक वक्त में बालों में लगाने के लिए। तो मैं अभी प्याज का पानी ही बना रही हूँ, ताकि मैं वो उसको आधा या एक घंटे तक बालों में लगा के रखूंगी, और फिर उसके बाद शावर लूंगी। पानी जो है वो तैयार हो गया, और मेरी आंखों में अभी बहुत ज़्यादा जल रही हैं इसकी वजह से, प्याज की वजह से। तो खैर मुझे ये दिखाना था कि ऑलमोस्ट जो है मतलब तैयार हो गया है, बस थोड़ी सी प्याज है जो अभी तक नहीं, इसमें थोड़ी सी नीचे रह गई है, तो वो मैं उठा के रख लूँगी। मैं अभी खाना खाऊँगी तो उसको अपनी सैलेड में डाल लूँगी, ताकि वो वेस्ट ना हो। और ये पानी तैयार है, तो बस मैं इसको अपने बालों में लगाऊँगी। अब जो है मैं सॉरी, वो ना प्याज के पानी की वजह से मेरे बाल बड़े कड़क हो गए, तो अब जो है ना मैं खाना लेकर बैठ गई हूँ, और मैंने ना अपने लिए ये थोड़ी सी वो बनाई है, क्या कहते हैं इसको, मछली, और मैंने प्याज काटी है, उसके अंदर ना थोड़ा सा सिरका डाला है। मामा ने बोला थोड़ा सा सिरका डालो तो ना बहुत अच्छी लगेगी, तो मैंने थोड़ा सा सिरका डाला है, और बाकी वही काली वाली दाल और चावल है वो मैं खाऊंगी सब्जी के साथ, और अभी साथ साथ जो है वो अपनी सीरीज कंटिन्यू करूंगी। मैंने बस अभी अभी शावर लिया है, और दो दफ़ा मैंने शैम्पू किया है, ताकि वो प्याज की स्मेल चली जाए, तो काफ़ी हद तक चली गई है, दो दफ़ा में ऑलमोस्ट चली जाती है। और खाना भी मैंने खा लिया है, अब मैं अपना थोड़ा सा काम करूँगी, वही जॉब एप्लीकेशंस वगैरह उसके लिए अप्लाई करूँगी, और फिर थोड़ी देर में सो जाऊँगी। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।